दोस्तों लेके आएगा आप सबके लिए एक गर्मा गर्म चटपटा सा वीडियो। उस आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओप्पो रेनो सीरीज के बारे में। ओप्पो रेनो सीरीज का ओप्पो रेनो 10 के बारे में आज अपन आपसे बात करेंगे। सारा कुछ चीजें स्मार्टफोन के बारे में आ चुका है, तो आज की वीडियो में वही सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ गाइस। हम सबसे पहले आपसे किसके बारे में बात करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बिल्ड एंड डिजाइन। बिल्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आपको सामने पीछे दोनों ही तरफ ग्लास का इस्तेमाल होता हुआ दिख जाएगा। पीछे गोरिल्ला ग्लास 5 एंड सामने गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। अभी अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो देखो डिजाइन पीछे का जो है वो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, कुछ लीक्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है, जहां पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा पीछे विद एलईडी फ्लैश सपोर्ट। कैमरा एक ओवल शेप के बम्प के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे कुछ नया तो कोशिश किया है इन लोगों ने, कुछ नया शेप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ओप्पो रेनो 10 सीरीज में। बाकी अगर हम बात करते हैं फ्रंट के बारे में तो फ्रंट में आपको कर्व पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ऊपर सेंटर पंच होल कटआउट स्टाइल में कैमरा देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा फोन को चार्ज करने के लिए, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक हमेशा की तरह नहीं देखने को मिलेगा आपको ओप्पो रेनो 10 में। तो कुछ ऐसे रहेगा इसका बिल्ट एंड डिजाइन वगैरह। तो अभी देखते हैं कि हाँ असल में स्मार्टफोन कैसा देखने को मिलता है हमें। बाकी बिल्ड तो स्मार्टफोन का अच्छा खासा होता ही है। अभी अगर हम बात करें इसका डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.74 inches का एक 10-bit OLED पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट होगा, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट होगा। इसके साथ आपको 1450 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, मतलब सनलाइट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इस डिस्प्ले में नहीं आने वाले। इसके अलावा आपको यहाँ पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट, वाइड पॉइंट L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन शायद आपको ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस में देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, अभी तक इसके बारे में श्योर कुछ नहीं है। बाकी अगर हम बात करें इसका एस्पेक्ट रेशियो के बारे में तो 20:1 का एस्पेक्ट रेशियो, 394 या फिर 398 ppi के आसपास कुछ पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात करें तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी बढ़िया है, कंटेंट वॉचिंग वीडियो वगैरह ये सब एकदम मस्त आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले जैसा बढ़िया है वैसे ही बढ़िया आपको यहाँ पर प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिसका एंटूटू स्कोर करीब करीब 1.1 मिलियन के आसपास होगा। प्राइमरी क्लॉक स्पीड की अगर बात करूं तो वो करीब 3 GHz के आसपास आपको देखने को मिलेगा। गेम खेलो या फिर कुछ भी करो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन करता है एंड हीटिंग इश्यू वगैरह भी बहुत ही ज्यादा कम होगा। शायद ये जो प्रोसेसर है ये 4 nanometer टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहेगा, अभी तक इसके बारे में कुछ श्योरिटी नहीं है। एड्रेनो 730 का GPU आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने का काम करेगा। LPDDR5 का रैम वेरियंट से न्यू फेस 4.0 का स्टोरेज वेरियंट आपको यहाँ पर शायद देखने को मिल सकते हैं। एंड्रॉइड 13 बेस्ड होगा एंड कलर ओएस 13.1 के साथ ये आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। रैम रोम की अगर बात करें तो 8 128 से लेकर 12 256 GB तक इसका रैम रोम देखने को आपको मिल सकते हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है। अभी अगर हम बात करें स्मार्टफोन का सबसे बड़ा की फीचर्स जो है, मतलब इसका कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX890 का सेंसर आपको पीछे मेन कैमरा के रूप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल सकते हैं, ये रेंडर की तरह बाहर निकल कर आया है, असल में 64 मेगापिक्सल हुआ क्या नहीं इसके बारे में मुझे डाउट है अभी तक तो। इसके अलावा 8 megapixel का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा एंड जहां से आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो ये श्योर है। अभी अगर हम बात करें इसके फ्रंट के बारे में तो फ्रंट में सेंटर पंच होल कटआउट स्टाइल में जैसे कि मैंने कहा कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा जो होगा वो होगा 32 मेगापिक्सल का एंड सेंसर जो यूज किया गया है वो है सोनी IMX709 का सेंसर, जो भी काफी अच्छा फुटेज आपको निकल कर देगा। बाय द वे फ्रंट में भी आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो भाई कैमरा की तो बात ही मत करो, एकदम की फीचर्स है ओप्पो रेनो सीरीज का। जो भी स्मार्टफोन आता है कैमरा बिल्कुल ही बढ़िया होता है, तो इसमें भी हम आशा ये कर सकते हैं एंड आशा क्या मतलब कैमरा बढ़िया होगा ही, ये तो खैर तय है। अभी अगर हम बात करें इसका बैटरी के बारे में तो यहाँ पर कहा जा रहा है कुछ ऐसा कि 4700mAh का बैटरी देखने को मिलेगा विद 80W का सुपर वॉक चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। अभी अगर हम बात करें स्मार्टफोन की सबसे जो मेन चीज है इसका प्राइस रेंज, देखो दोस्तों प्राइस रेंज के बारे में अभी तक तो कुछ श्योरिटी नहीं है कि हाँ इस प्राइस पॉइंट पर आएगा उस प्राइस पॉइंट पर आएगा। जैसे कि हमने तो वो भी कहा था कि ROG 7 अल्टीमेट का जो
प्राइस होगा वो करीब 70-75 हजार के आसपास जाएगा, लेकिन वो कहां तक चला गया, 90,000 भाई। तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते कि हाँ असल में प्राइस क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्चर की अगर बात करूँ तो देखो वो तो इमिडिएटली नहीं होने वाले इंडिया में, तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना में भी 1-1.5 महीना है लॉन्च होने में, उसके बाद जाके इंडिया में आएगा। ओप्पो रेनो 9 सीरीज तो नहीं आया था, शायद 10 सीरीज आने की बात चल रहा है, ऐसा कुछ मतलब खबर आ रहा है कि ओप्पो रेनो 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च करेगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, जो होगा जैसा होगा आपको जरूर पता चलेगा मेरे वीडियो के जरिए। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर दो एंड बता दो क्यों अच्छा नहीं लगा। कमेंट करके बताना स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, ओप्पो रेनो 10 सीरीज को आप खरीदना पसंद करोगे या फिर नहीं, वो भी कमेंट में जरूर बताना। शेयर कर देना वीडियो उन लोगों तक जो ओप्पो की बहुत बड़ी फैन है, नहीं ओप्पो की नहीं मतलब रेनो सीरीज का फैन है, ओप्पो का फैन तो खैर छोड़ो बात। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।